नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपसे वादा किया था कि जल्द ही आपके लिए पॉलिटी की आपके लिए थ्योरी की क्लास लाई जाएगी। तो ये पॉलिटी की थ्योरी की क्लास है। ये किन स्टूडेंट्स के लिए क्लास है, आप सभी को बता दूँ। जहाँ जहाँ आपकी पॉलिटी आती है, जीके आता है, वहाँ वहाँ आपके लिए ये क्लास रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट DRDO की तैयारी कर रहे हैं, DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं, DRDO MTS के लिए भर्ती होना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए खास है। SSC MTS CHSL CGL CPO JEE और आपका रेलवे के NTPC ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास बेस्ट है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए वीडियो को। आज का अपना टॉपिक है, पहला वीडियो है ये, फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल क्या है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा कहा गया है। यानी कि आर्टिकल 52 के अंदर बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। किस पद्धति द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। और आर्टिकल 61 के अंदर राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया लगाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि अनुच्छेद, देखिए आप समझ सकते हैं, आर्टिकल 52 में ये बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा। अब निर्वाचन होगा तो निर्वाचन के लिए इलेक्शन कमीशन काम करेगा, कौन कौन इसमें वोट देंगे ये भी तो मेन बात है, और इसकी योग्यताएँ क्या रहेंगी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होगी। ओके, आर्टिकल 62 में अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति, ऐसा कभी होता नहीं है लेकिन देखने को मिलता है कभी कभी, कि राष्ट्रपति अपने पद को नहीं संभाल पा रहे हैं सही से, तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा दी जाती है। ये महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको हटाया जा सकता है उस पद से। तो आर्टिकल 61 के अंदर ऐसा बताया गया है। देखिए, राष्ट्रपति को किस पार्ट में रखा गया है, तो इनको रखा गया है पार्ट 5 में, यानी कि भाग 5 में रखा गया है, और यूनियन यानी कि संघ वाले पार्ट में रखा गया है। अनुच्छेद 52 से 151 आर्टिकल 52 से 151 के बीच में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन मिनिस्टर काउंसिल, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय, और CAG, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल पर्यवेक्षक। देखिए इसको समझिए अच्छे से। सबसे पहले क्या है, राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 के अंदर बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब जो मोस्ट पॉइंट हैं उनको समझिए, इसमें से मोस्ट पॉइंट को बताता हूँ। जैसे CAG है, आर्टिकल 148 में बताया गया है CAG के बारे में बताया गया आर्टिकल 148 में, इसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। जो आपका AGI होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसमें आर्टिकल 676 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 आर्टिकल के बारे में बताया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं ये आर्टिकल, तो इस वजह से मैंने डिस्कस कर लिए। ओके, अगर देखिए राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, अनुच्छेद 52 से आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 के बीच में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, योग्यता के बारे में, राष्ट्रपति कब से कब तक पद पर रहेंगे, उम्र सीमा के बारे में, सारी की सारी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अध्यादेश के बारे में भी वर्णन किया गया है, तो सारी की सारी बातें इसमें वर्णन की गई हैं। ओके, आर्टिकल 123 के अंतर्गत अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश लगा सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट अध्यादेश ला सकते हैं। राष्ट्रपति को 3 पावर दी गई होती हैं, आपातकालीन शक्ति की, उनके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते रहिए।
आपको बता दूं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए, जहां पर आपको DRDO MTS के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी और जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप जाकर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में ऐसा बताया गया, राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, संघ की कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका तीन चार चीज़ों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यानी कि कार्यपालिका का प्रधान होता है कौन, राष्ट्रपति। तो जो कार्यपालिका होती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है। ओके, अब समझिए राष्ट्रपति की योग्यता है क्या है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली बात, न्यूनतम आयु 35 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज उसकी 35 साल होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए कि वो व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए और उसकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। नोट, राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख होती है, 1,50,000 होती है और ये घटती बढ़ती रहती है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा गूगल पर अब हाल फिलहाल में कितनी है। राष्ट्रपति को कौन चुनेगा, इसके बारे में आर्टिकल 54 के अंतर्गत बताया गया है। भाई आर्टिकल 52 के अंतर्गत तो ये बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन आर्टिकल 54 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है, तो कौन चुनेगा इसको समझिए। राष्ट्रपति, इसमें कौन वोट देते हैं तो वो समझिए। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट देते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं, MLA ऑफ स्टेट्स राज्य के जो MLA होते हैं वो वोट देते हैं, 29 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित दिल्ली और पांडुचेरी हैं, दिल्ली और पांडुचेरी हैं, उनके भी क्या है सदस्य इसमें वोट देते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और MLA 39 राज्य के और आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश के इसमें वोट देते हैं। ओके, आगे देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या होती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति, मत पद्धति इसकी क्या होती है, चुनाव पद्धति होती है। जितने कैंडिडेट होंगे सबको वोट देना होगा प्रायोरिटी के आधार पर। ओके, शपथ क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, किसके, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है सुप्रीम कोर्ट में, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। आई होप आप अच्छे से आंसर देंगे। ओके, राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इसके बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। यानी कि राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52, राष्ट्रपति को निर्वाचन की पद्धति के बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है और महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 61 के अंतर्गत बताया गया है। ओके, अब महाभियोग कैसे लगता है वो समझ लीजिए। महाभियोग 3 स्टेप से लगता है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 से लगता है। जो संसद होती है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा और राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। जो उच्च सदन होता है उसे बोलते हैं राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, लेकिन जो लोकसभा है वो हर 5 साल भंग कर दी जाती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब लोकसभा को समझिए, लोकसभा में क्या होता है, 1/4 लोग लिखित में नोटिस देंगे कि राष्ट्रपति को भाई हटाया जाए। 1/4 लोग, यानी कि 1/4 लोग अगर ये देते हैं कि राष्ट्रपति को हटाया जाए, तो ये जो प्रस्ताव है ये कहाँ जाएगा, स्टेप 2, यानी कि स्टेप 2, 2/3 वोट होंगे, प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। यानी कि अगर टोटल जितने भी सदस्य हैं, उनका अगर 2/3 वोट अगर प्रस्ताव में रखे जाते हैं तो ये कहाँ जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे। कितने दिन के लिए जाएंगे, 14 डेज के लिए जाएंगे, 14 दिन के लिए। ओके, और इसमें क्या है, 2/3 वोट होंगे तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। कितने वोट होंगे, अगर 2/3 वोट होंगे तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। और जिसमें से 1/4 लोग क्या है, लिखित में नोटिस देंगे, किसको, राष्ट्रपति को नोटिस देंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अधिकार क्या हैं? राष्ट्रपति के निम्नलिखित नियुक्त करता है, कौन करता है राष्ट्रपति को नियुक्त? देखिए, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के अधिकार जो राष्ट्रपति हैं उनके अधिकार क्या हैं? राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट किस किस की करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। अब आप बोल सकते हो भारत के प्रधानमंत्री को तो चुना जा चाहता है? नहीं, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है चाहे वो राज्यसभा से बने या फिर लोकसभा से बने, कोई किसी से भी बन सकता है। राज्यसभा के बनने पर उसकी उम्र कम से कम मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स, और लोकसभा 30 ईयर्स। कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। और जो राज्यसभा है इससे कितनी होनी चाहिए? आपकी 35 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आप बोलेंगे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? जी नहीं, प्रधानमंत्री जिस सीट पर लड़ते हैं उसका चुनाव होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रधानमंत्री को सिर्फ अपॉइंटमेंट किया जाता है, यानी कि एक तरीके से ड्यूटी पर रखा जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद को ये शपथ दिलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को दिलाते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को, और इनको क्या दिया जाता है? ये शपथ दिलाते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों को, राज्यों के राज्यपालों को। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही क्या बनता है? कानून बनता है। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए वो लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 के अंतर्गत किसी अपराध को दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सजा माफ़ करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी कितना भी घिनौने से घिनौना अगर अपराध किया है, वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन अगर किया है, तो अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसे आर्टिकल 72 का यूज़ करके उसे माफ़ कर सकते हैं, उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? माफ़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा देखने के लिए बहुत कम मिलता है, और देखने को कभी कभी मिलता भी है। देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, यानी कि राष्ट्रपति किसको देंगे? अपना जो त्यागपत्र है, इस्तीफा किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 2 भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों से ये क्या करते हैं? इनको मनोनीत करते हैं। नोट पॉइंट क्या है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। यानी कि अगर जॉइंट सेशन को बुलाना है तो इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। ओके, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन 3 शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत, आर्टिकल 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय पर आपका जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगा दी जाती है। ये इमरजेंसी कहाँ पर लगी थी, कब लगी थी? 1975-1976 के समय पर, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975-76 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जिनको नारी दुर्गा भी कहा जाता है, दुर्गा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, किसको? इंदिरा गांधी को। तो इन्होंने इसका यूज किया था 1976 के समय पर। तो राष्ट्रपति के पास पहला आर्टिकल है 352, जिसमें नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय। अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति का शासन, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में से, या किसी की सरकार नहीं बन पाती है, या कोई कारण होता है वहाँ पर सरकार, मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, उस समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी के में लगाया जाता है। ये आज तक कभी भी नहीं लगा, नेवर, कभी नहीं लगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन 100+ से अधिक बार लग चुका है, और जो राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी है ये सिर्फ 3 बार लगी है। ओके, अब तक केवल 3 बार ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, नेशनल इमरजेंसी। ओके, अब समझते हैं आगे। 1962 के समय कब लगा था? भारत और चीन के युद्ध में लगा था। 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच लगा था। 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर इसको लगाया गया था। तो आर्टिकल 352 का यूज़ 3 बार किया गया है, भारत चीन के युद्ध के समय, 1962-1971 भारत पाक युद्ध, और 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पटेल। कौन है?
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन है? पहली राष्ट्रपति है, पहली महिला राष्ट्रपति। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। ओके, कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी। राष्ट्रपति जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, इनकी मृत्यु भी कब हुई थी? 1967 से 1969 तक रहे थे, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक इनके ये राष्ट्रपति रहे थे, फिर इनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने किसके बारे में डिस्कस किया? प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया। काफ़ी ज़्यादा डीपली हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा भी है यहाँ पर, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और डेली आपके लिए ये थ्योरी की क्लास आती रहेगी पॉलिटी की। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।